रेन गन लगाई हुई है तो इससे हमारे पूरे प्लांट का पानी पंद्रह मिनट में डल जाता है मात्र तो पानी है, ये भी पूरा बहुत कम होता देती है, ना हमने हाँ। मार्केटिंग में शुरू में कुछ छोटी छोटी चीजें लगाई कि जैसे हमने हजार पोस्टर छपवाए तो छोटे पोस्टर आते हैं हमारे कॉपी साइज के वो छपवाए और उसको अखबार के साथ डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया हर घर में तो लोगों के पास वो पहुंचे तो जो जो लोग ऑर्गेनिक खाद ढूंढ रहे थे उनको पता चला तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक आ गए तो लगभग आप विश्वास नहीं मानोगे हमने दो हजार रुपए का खर्चा किया हजार पोस्टर के और हजार अखबार वाले को दिए और हमें डेढ़ लाख का घर बैठे बैठे हमारा माल बिक गया और वो कस्टमर ऐसे जुड़े वो आज तक एक साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बेड से सब कुछ खर्चा हटा के अच्छा खादा बनाते हो तो लगभग आपको हजार रुपए का प्रॉफिट आता है अब हमारे पास छियानवे सत्तानवे बेड है तो लगभग हमें हर महीने एक लाख के करीब प्योर प्रॉफिट आ जाता है खाद से नमस्कार दोस्तों जय हिंद जय जवान जय किसान इंडियन फार्म रोवर यूट्यूब चैनल पर मैं पारा साहब सभी का एक नई वीडियो के साथ स्वागत करता हूं आशा करता हूं सारे भाई अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे दोस्तों आज हम आए हैं गांव जमालपुर अलवर राजस्थान में यहां पे चेतन यादव भाई पिछले डेढ़ साल से वर्मी का काम कर रहे हैं ये सिर्फ तेईस साल के हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न इन्हें वर्मी कम्पोस्ट बिजनेस में आने लगा है अगर किसी भी भाई की वर्मी कंपोस्ट में रुचि है वर्मी कंपोस्ट बिजनेस में रुचि है तो ये वीडियो आपके लिए है वीडियो को एंड तक देखना है काफ़ी अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी भाई फ्री में ट्रेनिंग भी देते हैं किसी भाई को अगर ट्रेनिंग करनी है वर्मी कम्पोस्ट को जानकारी लेनी है किसी भी तरह की मदद लेनी है वर्मी कम्पोस्ट में तो भाई से कॉन्टैक्ट करना है तो चलिए मिलवाते हैं आपको चेतन यादव भाई से और दिखाते हैं आपको उनका वर्मी कम्पोस्ट फार्म नमस्कार भैया नमस्कार पार्स भाई क्या हाल चाल है बस जी बढ़िया आप सुनाओ अच्छा आज आपके वर्मी कम्पोस्ट यूनिट पर आए थे और थोड़ी जानकारी चाहते हैं आपसे वर्मी कम्पोस्ट के बारे में ठीक है सबसे पहले तो आप ये माइक अपने कॉलर पर लगा लीजिए और हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं वीडियो के साथ उनको एक छोटा सा टूर करा दीजिए अपने वर्मी कम्पोस्ट यूनिट का और जानकारी भी दीजिए साथ साथ कि कैसे आप यहाँ पे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार मेरा नाम चेतन यादव हम यहाँ गांव जमालपुर में कन्हैया ऑर्गेनिक्स के नाम से अलवर राजस्थान के अंदर वर्मी कंपोस्ट की यूनिट चलाते हैं जी जी वर्मी कंपोस्ट एक खाद है जो सभी चीजों से परिपूर्ण है ठीक है इसका यूज करके हम डी यूरिया सबको छोड़ सकते हैं और ये केंचवे जब खाता है और जो मल निकालता है उसको वर्मिकोस्ट बोलते हैं अच्छा एक मैंने एक सेंटेंस था उसमें ये कहा गया था कि ये भविष्य खाद है आगे आने वाले टाइम पे जो डी और यूरिया है उसको पूरी तरीके से बैन लग जाएगा और फिर इससे ही खेती किए जाए क्योंकि आजकल रसायन बहुत आ रहे हैं और हमारे पीछे में जैसे मैं लग रहा है ये वर्मी कम्पोस्ट ही है जी ये वर्मी कम्पोस्ट है जी 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 ये हमने छाण के यहाँ पे डाला हुआ है आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक कलर का और प्योर वर्मी कम चाय पत्ती जैसा लग रहा है इसमें तो बिल्कुल अच्छा 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 तो ये आपकी यहाँ पैकेजिंग हो रही है यहाँ पे है ना यहाँ हमारा पैकिंग एरिया है यहाँ मशीन लगी हुई है इससे छड़ा ही होती है कितने किलो पैकिंग होती है ये चालीस किलो का एक बैग है हमारा अच्छा 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 और ये आपकी छन्नी है ये बड़ी वाली है ना हाँ ये बड़ी वाला हमारा छलना है जिससे हम वर्मी कंपोस्ट छानते हैं जी अभी जैसे क्या हो रहा है कि सर डीएपी यूरिया के जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस हैं वो तो बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं तो डीएपी के ऊपर हमें पच्चीस सौ रुपए की सब्सिडी मिलती है हाँ जी। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है टीन अच्छा, ये ऑफिशियल आप गवर्नमेंट की साइट पे चेक कर सकते हो उसके तहत गवर्नमेंट सब्सिडी कंपनियों को ना दे के किसानों के खाते में जो हमें किसान सम्मान निधि के छह हजार मिलते हैं उसके साथ ही कुछ अमाउंट ऐड करके किसानों को सब्सिडी देगी जी जी। और फिर डीएपी और यूरिया पे सब्सिडी खत्म हो जाएगी फिर डीएपी का चार हजार का एक बैग मिलेगा अच्छा मैं ये कहता हूँ कोई किसान चार हजार का एक बैग नहीं खरीद सकता नहीं क्योंकि सकता। मेरे मेरी पूरी फैमिली खेती करती है मैं भी दो साल से खेती कर रहा हूँ तो हम नहीं खरीद सकते चार हजार का बैग और वही कितना आपका वर्मी कट्टे आ जाएंगे ये चार हजार में लगभग आप ये मान लो तेरह से चौदह कट्टे वर्मी कम्पोस्ट के आ जाते हैं अच्छा और एक वर्मी कम्पोस्ट का बैग लगभग पंद्रह किलो डी के बराबर है अच्छा जी हाँ और ये ताकत में इतना ज्यादा है कि इसकी चीज ही अलग है ये तो सर इसको तो जो किसान यूज कर लेते हैं ना वो इसका इतना दीवाना हो जाता दी है कर अच्छा ये प्रोसेस आपका यहाँ से स्टार्ट हो रखा है गोबर है थोड़ा बता चलो की कैसे कैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं चीजें ये हम ताज़ा गोबर मंगाते हैं उसको डायरेक्ट बेड के अंदर डलवाते हैं ताकि हमारी लेबर कम लगे और फिर उसको ऐसे बेड के अंदर सेट करवा देते हैं अच्छा ये मतलब गोबर डेरी से मतलब जहां से भी आया है गौशाला से हम गोबर ऐसे ही आया कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी कुछ भी करने की जरूरत साफ गोबर है आपके यहाँ का मैं देख रहा हूँ हम पक्के फर्श का गोबर लेके आते हैं जिसमें मिट्टी कूड़ा कचरत कुछ भी नहीं होता जी जी मेरे प्योर गाय का जो गोबर फार्मर है। भाई जो देते हैं उसमें मैं देखा है कि कूड़ी को प्लास्टिक वाला छानना पड़ता है उसे अलग हाँ, करना पड़ता है वो लेकिन सर, आपके में ऐसा नहीं लग रहा मेरे को कुछ नहीं ये हमारा प्योर बढ़िया गोबर है तो कैर मद गोबर आपको सर ये हमें लगभग पड़ जाता है एक रुपए के जी थोड़ा कॉस्टली है यहाँ पे हमारे गोबर कुछ ज्यादा ही लग रहा है है ना चलो लेकिन साफ सुथरा है आपकी लेबर भी तो बच रही है हाँ लेकिन उस हिसाब से बहुत बढ़िया तो यहाँ मैं दिखा दूँ भाई ने यहाँ पे ईट से बेड बना रखे हैं और नीचे पन्नी लगा रखी है काफी इकोनॉमिकल और यही तरीका होता है फैंसी बैग भी आते हैं पर वो कॉस्टली पड़ते हैं और यहाँ पे इन्होंने पुराली का प्रयोग न करके हरे रंग का जो अपना सनसेट वाला जो नेट होता है वो लगा रखा है काफी अच्छा अट्रेक्टिव भी लग रहा है और साथ साथ मुझे लगता है कि इसमें आपको फायदा बहुत होता होगा क्या क्या फायदे होते हैं जैसे ग्रीन नेट का मैं आपको बताता हूँ हम पहले पुआल डालते थे तो वो क्या होती थी हवा चलती थी और वो उड़ जाती, उड़ जाती थी बिल्कुल थी। है। 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 और उसको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते थे और उसमें हमारी खाद की क्वालिटी भी अच्छी नहीं बनती थी फिर हमने बोरी का यूज करना स्टार्ट किया लेकिन बोरी अब एक बोरी आती है बीस रुपए की पुरानी पुरानी वाली कबाडी से लेते तो और एक बेड में हमारी पंद्रह बोरी लगती थी तीन सौ रुपए की बोरी लगी वो भी एक ही बार यूज जी फिर हमने ग्रीन नेट का कंसेप्ट स्टार्ट किया ये एक बेड में हमारे दो सौ रुपए का ग्रीन नेट लगता है और ये लगभग हमें बीस बैच निकाल के देता है मतलब ये हमारा चार साल पांच साल कहीं नहीं जाना कहीं नहीं जाना और इसको एक साइड से उठा और पूरा बेड मतलब हट जाता है और फिर ढक देते हैं चलो मेरा कोई भाई अगर करना चाहता है वर्मी कम्पोस्ट उसे एक नई चीज आज देखने को मिल गई हमारे माध्यम से मिली इस बात का मैं भगवान को शुक्रिया करता हूँ और आपका भी शुक्रिया करता हूँ ठीक है ऋषि सर ठीक है मैं सभी भाइयों को ये कहना चाहूंगा जो भी वर्मी कम्पोस्टिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो ग्रीन नेट का यूज करें ये बहुत बढ़िया चीज है आपको किसी और पे जाने की जरूरत नहीं है जी जी अच्छा भैया आप राजस्थान में हैं जी वाटर शॉर्टेज तो है देखो ठीक है वाटर शॉर्टेज तो है ना तो यहाँ आपने प्लांट मतलब अपना ये यूनिट लगाने कैसे सोचा कि भाई यहाँ मैं लगाता हूँ और पानी की कैसे भरपाई कर रहे हैं कैसे आप यहाँ पे पानी छिड़काव करते हैं क्योंकि इस पर पानी छिड़काव बहुत जरूरी है पानी छिड़काव नहीं होगा केचुआ मर जाएगा नुकसान हो जाएगा बहुत मोटा पानी ना? तो सर बहुत जरूरी है इसीलिए हमने अब एक बेड पे अगर हम पानी डालते हैं तो पानी यूज भी बहुत ज्यादा होता है हु, और उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है तो हमने ये रेन गन लगाई हुई है तो इससे हमारे पूरे प्लांट का पानी पंद्रह मिनट में डल जाता है मात्र गोल पानी होता है ना हाँ जी जी और इसका एक फायदा है, हमें जैसे इधर वाले बेड पे चलाना है हाँ। तो इसको यहाँ से हैं इधर ही चलेगा ये। इधर मतलब 90 हाँ। डिग्री में चलेगा। जी। 360 में चलेगा 360 में चलता है कहीं भी हाँ। हाँ। चला सकते हैं इसको हम हाँ। चलो बहुत अच्छा इसमें कितना खर्चा आया था आपका ये सर एक रेन गन आती है हमारी सैंतीस सौ रुपए की लेके आए थे हम और ये पाइप तो हमारे पास पहले की पड़ी हुई थी तो पाइप लगा लेकिन भाई साहब मैं ये देख रहा हूँ पानी की बर्बादी बहुत कम होगी इसमें और प्लस लेबर जो आप लगाते हैं पानी के लिए बंदा रखना पड़ता है खुद भी करते हैं तो उसमें बहुत बचत हो जाएगी हमारी इसमें बहुत ज्यादा बचत होती है आप ये लगा लो सौ बेड के ऊपर आपको दो बंदे चाहिए जो पूरे दिन मोटर चलेगी तब पानी लगेगा अच्छा इसमें सिर्फ पंद्रह मिनट में एक भी बंदा नहीं चाहिए अच्छा चेतन भाई थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करते हैं जैसे कि हमारी फोन पे बात हुई थी आप सिर्फ तेईस साल के हैं और आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है ना फिर आपने इस इन सब चीजों में आने का कैसे सोचा भाई लड़के आप एनसीआर में है दिल्ली एनसीआर हाँ। में ठीक है ना और एनसीआर के लड़के तो बाहर जाते हैं गुड़गांव जाते हैं बाहर जाके जॉब करते हैं पैकेज पकड़ते हैं तो आपने गांव में रहके ये सब चीजें की की शुरुआत कैसे करी सर एक तो क्या है कि हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। तो मेरा शुरू से ही रुचि थी खेती के अंदर लेकिन मैं खेती को ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करना चाहता था जी जी मैं चाहता था कि कुछ हटके अलग करूं कुछ बढ़िया करूं करूँ फिर थोड़े बड़े होते गए तो हमारी फैमिली में हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो गए अच्छा ठीक है मेरी दादी जी को हार्ट की प्रॉब्लम थी मेरे दादाजी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है मेरी बुआ जी को कैंसर थी तो मतलब बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन हो गई कि हमें डी यूरिया का जो अनाज जो होता है वो खाना बंद करना पड़ा जी और तब तो हम बाहर से खरीद रहे थे बहुत महंगा मिल रहा था और उसकी कोई श्योरिटी भी नहीं थी जी फिर हमने घर पे ही खुद ऑर्गेनिक खाद बनाना स्टार्ट किया पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक बनाए और उनको यूज किया और उनको खाने में इतना स्वाद आता है बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बनता है और वो हमारी हेल्थ उसके बाद हमारी हेल्थ बहुत इंप्रूव होने लग गई आपके घर में मतलब ऑर्गेनिक बन रहा है जो बन रहा है अब हमारे घर में हम पूरा ऑर्गेनिक पे हैं सब कुछ ऑर्गेनिक है छोटी सी चीज से लेके बड़ी सी चीज तक और हम लगभग सौ बीघा के अंदर खेती करते हैं मतलब सत्तर एकड़ में सत्तर एकड़ में से हम तीस एकड़ में प्योर ऑर्गेनिक करते हैं तो चलिए लंच का टाइम वैसे भी होने वाला है मैं आपके घर होकर जाऊंगा आज हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों बहुत अच्छी लगी मेरे को उनकी जो रेन गन है ठीक है और भैया ने यहाँ पे मूंगफली भी लगा रखी है और प्रॉपर जो इन्होंने बताया था कि यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग किया जा रहा है राजस्थान में है हम अलवर में और यहाँ पर एक अच्छी अवेयरनेस है अच्छा मार्केटिंग का बताओ देखो वर्मी कम्पोस्ट बनाना इतना मुश्किल नहीं है अगर हाँ। नॉलेज अच्छी हो तो लेकिन बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और कहा भी है किसी ने कि सबसे आसान है प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मुश्किल है मार्केटिंग आप कैसे करते हैं मार्केटिंग सर इस ये जो बिजनेस है इसमें पूरा खेल होता है मार्केटिंग का कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है अगर आप अच्छा बनाओगे तो एक बार जो कस्टमर ले जाएगा वो आपके पास पूरी जिंदगी भर आएगा बिल्कुल ठीक है अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आपका माल बिकेगा दूसरी की हमने मार्केटिंग में शुरू में कुछ छोटी छोटी चीजें लगाई कि जैसे हमने हजार रुपए में हजार पोस्टर छपवाए तो छोटे पोस्टर आते हैं हमारे कॉपी साइज के वो छपवाए और उसको अखबार के साथ डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया हर घर में तो लोगों के पास वो पहुंचे तो जो जो लोग ऑर्गेनिक खाद ढूंढ रहे थे उनको पता चला तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक आ गए तो लगभग आप विश्वास नहीं मानोगे हमने दो हजार रुपए का खर्चा किया हजार पोस्टर के और हजार अखबार वाले को दिए और हमें डेढ़ लाख का घर बैठे बैठे हमारा माल बिक गया और वो कस्टमर ऐसे जुड़े वो आज तक एक साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मतलब वो ले रहे हैं मंथली ले लेते हैं रेगुलर खात लेके जा रहे हैं हमसे तो मतलब डेढ़ लाख रुपए का प्रॉफिट प्रॉफिट तो नहीं प्रॉफिट कितना हुआ इसमें है प्रॉफिट सर आप करीब मानो कि डेढ़ लाख में से हमें से हमें नब्बे से पिचानवे हजार का प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट हुआ है यहाँ लेबर सब हटा के लेबर खर्चा पैकिंग सब कुछ हटा के तो ये तो मैं मानता हूँ दस लाख अस्सी हजार के आसपास बैठा ना साल का हाँ अगर हम एवरेज भी लगाएं पचानवे नब्बे भी लगाते हैं अगर तो दस लाख अस्सी हज़ार तो इतना बढ़िया नहीं है मेरा <laughs> लेक, लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि इतना मैं बताता हूँ एक बेड से सब कुछ खर्चा हटा के अच्छा खादा बनाते हो तो लगभग आपको हजार रुपये का प्रॉफिट आता है अब हमारे पास छियानवे सत्तानवे बेड है तो लगभग हमें हर महीने एक लाख के करीब प्योर प्रॉफिट आ जाता है खाद से तो मतलब एक एम का पैकेज तो छूट गया ना मतलब एक, एक जॉब तो आप घर पे बैठ के ही कर रहे हो और अपना बिजनेस कर रहे हो जॉब से अच्छा कमा रहे हो मतलब सर जॉब तो आप भी जानते हो कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा हो अगर प्राइवेट जॉब में जाता तो बीस पच्चीस हजार से नहीं मिलती बिल्कुल सही बात है हम भी तो कैमरे और गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया पांच पांच सात सात साल तैयारी करते हैं और फिर लोग पैसे दे के गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो मैं तो ये कहूंगा की आप वर्मी कम्पोस्टिंग करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है लेकिन आप कुछ भी बिजनेस करें तो बिजनेस करने की कोशिश करें आप नहीं अगर हम एक बार बिजनेस साइड में भी रखें अगर हम अवेयरनेस की बात करें अगर किसान अगर अपने खाली प्लॉट में एक आधा बीघा जमीन पे भी अपने छोटा सा सेटअप लगाए हाँ। सिर्फ अपने लिए हाँ। ना कि बाहर बेचने के लिए तो एकदम तो देखो जमीन अडेप्ट हो पाएगी लेकिन धीरे धीरे करके वो एक अच्छी पैदावार और काफ़ी पैसा जो हम जहर जिस जहर बोलूंगा मैं जो हाँ। हम जहरों में खर्च करते हैं डी ए पी यूरिया सब जहरी हैं इनमें खर्च करते हैं उसके मुकाबले बहुत पैसा कम हमारा कम होगा इसमें खर्च होगा सर ये आप जीरो अगर किसी की भाई के पास घर में पशु हैं गाय भैंसे हैं तो उसका तो कोई खर्चा नहीं है उसको तो एक बार अपने बेड बना के और केंचवे लेके आने हैं ठीक है फिर वो सालों साल तक वही कैंचवे उसके काम करेंगे जी जी। और फ्री में आपको अच्छा खाद मिल जाएगा मैं तो ये कहता हूँ कि आप खरीदिए भी मतम से ठीक है आप अपने घर पे बनाइए हम पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे आप खुद से बनाइए अपने खेतों में यूज कीजिए अच्छा खाइए अच्छे अपने बच्चों को खिलाइए ठीक है अच्छा दूसरों को खिलाइए सही सही बात है लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी देखो बिल्कुल आएगी सर क्या है कि महंगाई भी बहुत है ठीक है ना? हाँ। उस चीज को देखा जाए तो और सब कुछ आज के टेट में जल्दी चाहिए जी जल्दी के लिए तो जो केमिकल दवाइयां जरूर लगेंगी ठीक। देश का भविष्य ही ऑर्गेनिक फार्मिंग है अगर आज आप करोगे ऑर्गेनिक फार्मिंग तो बड़ी मन से करोगे लेकिन अगर आप दस साल बाद करोगे तो आपको मजबूरी में करनी, पड़े करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी करनी तो पड़ेगी ये बात तो श्योर है जी क्योंकि आप चाहे ना करो चाहे आपसे करवाई जाए करोगे तो आप ऑर्गेनिक दस साल बाद भी करोगे जी जी मोड ऑफ वर्क चेंज हो जाएगा आज आईटी कंपनी राज कर रही है कल हाँ। हो सकता है एग्रीकल्चर कंपनी लीज लैंड लेके देख सकते हो कि कोरोना के अंदर सभी जो सेक्टर्स थे हमारे जी जी। वो सबकी जीडीपी नेगेटिव में थी जी सिर्फ एक एग्रीकल्चर ही ऐसा सेक्टर था जिसकी जीडीपी पॉजिटिव खाना थोड़े छोड़ दोगे बात तो ये और खाना तो पूरी जिंदगी चलेगा ही अच्छा लास्ट एक एक आखिरी सवाल ठीक है प्रॉफिट मार्जिन हो गया सब कुछ हो गया आप हेल्प कैसे करोगे जैसे कि हमारी फोन पे बात हुई थी आपने कहा था कि मैं लोगों को फ्री ट्रेनिंग भी आपने अपने एक आध जो आपके पास आए हैं लोग उनको दी है जी सर ठीक है ना और मैं मानता हूँ ज्ञान जो है वो आगे बढ़ना चाहिए ठीक है सर्थ. कोई भाई अगर आपसे संपर्क करता है हाँ. किसी तरह की मदद चाहता है ठीक है तो उनकी कैसे मदद करेंगे आप सर मैं जो सभी दर्शक देख रहे हैं किसान भाई या युवा भाई देख रहे हैं मैं उनसे एक बात कहूँगा कि आप करना चाहते हैं पहले आप दो तीन साइट्स पर घूमें विजिट करें फिर अगर आप हमसे कोई सलाह चाहते हैं तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे आपका वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगवाने से लेके आपका पूरा माल बिकवाने तक आपको पूरा गाइडेंस देने तक फुल सपोर्ट होगा बस बशरते आप मेहनत करें कि आप ये नहीं है कि मेहनत के भरोसे काम को छोड़ दें जी जी सबर भी बहुत जरूरी सबर है बहुत जरूरी जी। इस जी। काम में लगभग हमें सवा साल हो गए लगे हुए सवा साल से हमने जो पैसा कमाया इसी में लगाया एक रुपए भी हमने अपने ऊपर खर्च नहीं किया लेकिन अब अच्छा खासा हमारा महीने का लाख सवा लाख का प्रॉफिट आराम से आ रहा है कितना एरिया लैंड है आपका ये सर ये जिसमें वर्मी कम्पोस्ट प्लांट लगा हुआ है ये लगभग एक एकड़ के आस की लैंड है मतलब एक एकड़ से थोड़ा सा कम है मतलब छह बीघे हाँ ना तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में चेतन यादव भाई जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छे तरीके से समझाया वर्मी कंपोस्ट को मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली है तो उस वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है अपने दोस्तों में जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद